नुसरत जहां के अमान्य शादी वाले दावे पर अदालत ने लगाई मुहर। नुसरत और निखिल जैन की शादी को अब कोलकाता की अदालत ने भी बताया अवैध। जी हां, टीएमसी सांसद और बंगाली फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस नुसरत जहां और निखिल जैन की अवैध शादी वाली कहानी में एक बार फिर ट्विस्ट आ गया है। साल की शुरुआत में ही नुसरत जहां ने तमाम विवादों के बीच अपनी शादी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, लिहाजा उनकी शादी अमान्य है। नुसरत के इस दावे को अब कोलकाता की एक अदालत ने भी सही ठहराया है। अदालत ने निखिल जैन और नुसरत जहां की शादी को कानूनी रूप से अवैध बताया है। दरअसल कोलकाता के अलीपुर की सिविल कोर्ट में निखिल जैन ने अपनी शादी को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि दोनों ने तुर्की में शादी की और भारत में अंतर धार्मिक विवाह पंजीकृत नहीं था। अलीपुर की अदालत के सिविल जज एस रॉय ने कहा, यह घोषित किया जाता है कि वादी और प्रतिवादी के बीच तुर्की के बोड्रम में 19/6/2019 को हुआ कथित विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है। इसके आगे अदालत ने कहा कि चूंकि यह शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है, इसलिए इस पर अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। यानी अब कानूनी तौर पर भी साबित हो चुका है कि निखिल जैन और नुसरत जहां की शादी मान्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस नुसरत जहां बंगाली फिल्मों के एक्टर यशदास गुप्ता के साथ शादी कर चुकी हैं और एक बेटे की मां भी बन गई हैं। बता दें कि टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ एक साल तक डेटिंग करने के बाद 19 जून 2019 को तुर्की के बोड्रम में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। हालांकि साल भर बाद ही इनके रिश्ते इस कदर खराब हो गए थे कि नुसरत ने नवंबर महीने में ही निखिल जैन का घर छोड़ दिया था। अलग फ्लैट में रहने लगी थी नुसरत जहां। वहीं इस साल की शुरुआत में ही नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो निखिल ने तो आगे आकर बयान दिया था कि उन्हें नुसरत की प्रेगनेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही निखिल ने नुसरत पर उन्हें धोखा देने, परिवार के बैंक खातों का इस्तेमाल करने और उनकी जानकारी के बिना उनके बैंक खातों से छेड़छाड़ करने समेत कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। वहीं निखिल के आरोपों का जवाब देते हुए नुसरत ने अपनी शादी को अमान्य बताया था। अपने रिश्ते को उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप बताया था। इतना ही नहीं, हाल ही में नुसरत ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी शादी में निखिल जैन ने कोई खर्चा नहीं किया था। उन्होंने ना तो शादी में पैसे दिए थे और ना ही होटल के बिल भरे थे। नुसरत ने आगे कहा था कि मुझे गलत तरीके से दिखाया गया, जबकि मैं ईमानदार हूं और अब मैंने सब साफ कर दिया है। बता दें कि निखिल जैन से रिश्ता खत्म करने के बाद नुसरत जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। नुसरत एक्टर यशदास गुप्ता के साथ शादी कर चुकी हैं। हालांकि यश के साथ अपनी शादी का उन्होंने ऑफिशियली ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट इस बात का इशारा करते हैं कि वह और यश शादी कर चुके हैं। नुसरत एक बेटे की माँ बन गई है, जिसका नाम उन्होंने ईशान रखा है। ईशान के बर्थ सर्टिफिकेट से भी खुलासा हो चुका है कि उनके बेटे के पिता यशदास गुप्ता ही हैं।